watching my video, please subscribe my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपको इंस्टेंट अचार की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत आसानी से बनता है और इसे धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। यह है मूली, गाजर और मिर्च का अचार। तो इसके लिए हमें जो चाहिए, मैंने देखिए गाजर ली हैं, 4-5-6 गाजर ली हैं, 2 मूली ली हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च ली हैं। अगर आपके पास मोटी हरी मिर्च है आप वो भी ले सकते हैं। अब मैंने इनको एक ही साइज़ में कट करके रखा है। फ्राइंग पैन लेंगे और इसमें हम इसका मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून सरसों दाना डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। ये देखिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा मैंने डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना, इसको थोड़ा सा स्टिर करके हम 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। इसको मीडियम हीट पर रोस्ट करते जाएंगे। अब मैंने इसमें 8-10 काली मिर्च डाल दी है और 1 टेबलस्पून फुल सौंफ और 1 टेबलस्पून फुल धनिया इसमें डालकर हम इसको रोस्ट करेंगे। इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें खुशबू ना आने लगे। जब इसमें ये ड्राई रोस्ट होंगे और जब तक ये कलर चेंज करेंगे और इसमें खुशबू आएगी तब तक ये रोस्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए आपको गैस का फ्लेम लो करना है, इसको हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करना है क्योंकि उससे ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। जब ये रोस्ट हो जाए तो इसको थोड़ी देर आप हल्का ठंडा करके इसको आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया है, इसे जार में डाल दिया है, ग्राइंडर जार में। अब मैं इसको पीस रही हूँ। देखिए मसाला पीस कर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें 1 कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने। इसमें गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर मिर्च डालूँगी ताकि मिर्च का जो तीखापन है वो निकल जाए। इसको हल्के से स्टिर करेंगे थोड़ी देर, जो हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस इसको स्टिर करके रहना है। इसको हमें गलाना नहीं है ताकि इसका क्रंचीनेस ख़त्म ना हो। अब मैंने इसमें गाजर, मूली दोनों जो कट करके रखी थी वो डाल दी। ये भी हम ऐसे ही हल्के हाथ से स्टिर करेंगे। ये क्रंची ही अचार एकदम अच्छा लगता है। इसको गलाने के बाद इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको बस इसको हल्की हाथ से स्टिर करते रहना है। अब मैं 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालूंगी। देखिए मैंने हल्दी डाली है 1 टीस्पून फुल। मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि ये तीखा ज़्यादा ना हो। पहले से भी इसमें मिर्च है इसलिए मैंने थोड़े से कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून फुल सॉल्ट डाला है। अब इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन मैंने 1 टीस्पून फुल डाली है। अब मैं इसको ऐसे करके स्टिर करूँगी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मीडियम हीट पर बन रहा है, इसको बिल्कुल भी आपको हाई फ्लेम नहीं करनी है। जब तक ये मसाले अच्छे से इसके अंदर मिल जाएं तब तक आप इसको चलाते रहना ताकि मिर्च, हल्दी सब अच्छे से इनमें मिल जाए। अब जो मसाला हमने बनाया था वो मैं इसमें 3 टेबलस्पून फुल डालूंगी। सारा मसाला नहीं डालना है जितना हमने बनाया था, बस इसमें 3 टेबलस्पून फुल डालूंगी। और डालने के बाद आप इसको ऐसे चलाइए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये छोले भटूरों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून फुल इसमें आमचूर पाउडर डाला है। आमचूर पाउडर कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा खट्टा अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा खट्टा भी अच्छा लगेगा। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। 2 मिनट इसको चलाने के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, मैंने इसको डिश आउट किया है और ये कितना टेस्टी और कितना यम्मी अचार लग रहा है। और ये बनाने में बहुत आसान है, 15 मिनट में बन जाता है। अम्मी सा अचार बन के तैयार हो गया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ आप कमेंट्स बॉक्स में दें। और अब मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।